हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कोहिरी सीड्स में। आई दोस्तों, रेडिश यानी मूली बोने और हार्वेस्ट करने का तरीका जानते हैं। मूली, जिसे अंग्रेजी में रेडिश कहा जाता है, ब्रासिकेसी परिवार से संबंधित है और इसकी खाद्यांश के रूप में खाए जाने वाले जड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक सर्दी के मौसम का सब्जी है और इसे सीधे बोने जाने का प्रसार किया जाता है। यहाँ मूली बोने जाने के लिए कुछ सामान्य टिप्स हैं। मिट्टी, मूली विशेष रूप से अच्छी ड्रेनेज वाली खुली मिट्टी को पसंद करती है। ये सुनिश्चित करें कि मिट्टी को आसानी से फाइब्र किया जा सके ताकि जड़ें आसानी से फैल सके। बोना, मूली के बीजों को सीधे मिट्टी में बोना जाता है। बीजों को लगभग 1.2 इंच गहराई और 1 इंच की दूरी पर पौधों के बीच की तंतु के साथ पंक्तियों में 12-18 इंच की दूरी पर बोए जाता है। पानी देना, मिट्टी को नियमित रूप से भीगा रखें। मूली के जड़ें शैली होती हैं, इसलिए सही जड़ विकास के लिए नियमित और बराबर पानी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुरुस्ती, एक बार बीज संबोधित होने पर इन्हें सही दूरी के लिए अच्छे से खा दें। अधिकांश प्रजातियों के लिए पौधों के बीच 2-3 इंच छोड़ें। उर्वरक, मूली को भारी उर्वरक नहीं चाहिए। बोने जाने से पहले मिट्टी में कंपोस्ट मिलाएं और यदि आपकी मिट्टी में पोषण नहीं है तो एक संतुलित खाद उपयोग कर सकते हैं। रोशनी, मूली पूरी रोशनी में बढ़ती है लेकिन आंशिक छाया को सहन कर सकती है। तापमान, ये सर्दी के मौसम की फसलें हैं और 50°F से 75°F, 13°C से 24°F के बीच तापमान में सर्वोत्तम रूप से बढ़ती है। इन्हें बसंत और शीतकालीन दोनों में बोए जा सकता है। कीट प्रबंधन और रोग नियंत्रण, मूली आमतौर पर हड्डी होती है लेकिन तिलचट्टे जैसी कीटाएं देखें। अन्य सब्जियों के साथ साथ ही बोने जाने से कीटाओं को रोकने में मदद हो सकती है। हार्वेस्टिंग, मूली शीघ्र परिपूर्ण होती है, सामान्य 20-30 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है, जिसे निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है।